बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर आए पटना प्रेस के हमारे सभी साथी मेरे दोस्त, आज पूरे देश में 22 शहरों में AICC की तरफ से इस प्रकार का एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 22 शहरों में से एक शहर पटना, ये मेरा अपना शहर है, AICC ने मुझे पटना अलॉट किया है कि मैं आप लोगों से बातचीत करूं और आपके सामने कांग्रेस पार्टी का नजरिया एक खास विषय के ऊपर प्रस्तुत करूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं बहुत भारी मन से कल जो अमरनाथ यात्रा के दरमियान एक बहुत भयंकर प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें अब तक की जो खबर है कि 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लगभग 45 से ज्यादा लोग जो सैलाब आया उसमें अभी तक बह गए या लापता हैं। सबसे पहले उनके लिए मैं एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो 16 लोगों की जान गई उनकी आत्मा को शांति मिले और जो 45 लोग अभी तक लापता हैं उनको ढूंढने में हमारे सेना के जवानों को कामयाबी मिले। इसके साथ ही ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दी गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन का, ऐसे ITBP के जवानों ने लगभग 15,000 के आसपास अमरनाथ यात्री के श्रद्धालुओं को बचाया। इसके लिए उन जवानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। दूसरी बड़ी बात, आज पूरे देश में राष्ट्रीय शोक का दिन है और यह शोक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे के जिस प्रकार से हत्या की गई गोली मारकर, उनके सम्मान में है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री भारत के मित्र थे, बहुत बहुत अच्छे और सच्चे मित्र थे, ऐसे जापानीज प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जी को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मुख्य बातें हैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य शीर्षक है, जो हाईलाइट है, वो दो लाइन है कि भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। एक बड़ा मशहूर टीवी सीरियल था, यह रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन यहां सीरियल नहीं है, यहां कल्पना नहीं है, यहां कोई इमेजिनेशन नहीं है, एक सच्चाई। और हम किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहे और हम ऐसा अनुमान भी नहीं लगा रहे, कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने हम रखने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, छोटी छोटी नगर पालिकाओं का चुनाव भी होता है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव तो छोड़ दीजिए, तो BJP ने हमेशा आतंकवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाया और है यह बड़ा मुद्दा, इससे हम इनकार नहीं करें। राष्ट्रवाद के आड़ में छुप करके भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद को मुद्दा बनाया और पूरे देश को इस प्रकार का आश्वासन दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो बहुत कठोरता पूर्वक आतंकवादियों के खिलाफ पेश आएंगे और हिंदुस्तान को आतंकवाद से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद को लेकर के कभी कोई समझौता किया। हमारे देश के अपनी दो प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी से नाता रखने वाले दो पूर्व प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री आतंकवाद के ऊपर शहीद हो चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनको सिख आतंकवादियों ने गोली मारी एक भेष बदल के अलग रूप में आके, स्वर्गीय राजीव गांधी, जिनको श्रीलंका के आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया। तो आतंकवाद से लड़ने में कांग्रेस पार्टी कहीं से कोई कमजोरी नहीं दिखाई। 2008 के बाद भी जब मुंबई पे हमला हुआ तो उसके बाद जितनी सख्त भूमिका हमने ली उतनी सख्त भूमिका कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ली थी। लेकिन हमेशा प्रचार के दरमियान कांग्रेस को बदनाम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण,
और इस तरह से अपने आप को पेश करते लोगों के सामने कि आतंकवाद को लेकर के कांग्रेस बहुत सॉफ्ट थी, हम लोग बहुत कड़क रहेंगे, कड़े रहेंगे, कठोर रहेंगे और इसलिए हमको मत दीजिए। और कई बार जो मतदाता है भारतीय जनता पार्टी के छलावे में आ जाता है और उसका नतीजा आज है कि आपके सामने आप देख रहे हैं कि खतरनाक चीज आ गई है, बस इस पे आ रही है, फोन बंद कर दीजिए। आप देख रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, 8.5 वर्षों से कई राज्यों में उनकी सरकार है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी भूमिका स्पष्ट करते हैं, वो सचमुच आतंकवाद से उनका क्या नाता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है, यह बताने और समझाने के लिए हम आपके बीच आए। पहली घटना, एकदम ताजा घटना जो राजस्थान में घटी थी, नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रही हैं, उन्होंने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही, इतनी आपत्तिजनक कि भारतीय जनता पार्टी भी शर्मा गई थी और नूपुर शर्मा को उन्होंने सस्पेंड किया अपनी पार्टी से। पूरी दुनिया में भारतीय भारत देश का एक उसके खिलाफ एक वातावरण बन गया, जो खाड़ी देशों ने तो भारत को माफी मांगने तक की बात कह दी थी, हमने ऑब्जेक्शन लिया, भारत क्यों माफी मांगेगा, गलती बीजेपी ने की है। ऐसे नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने वाले एक दर्जी टेलर मास्टर थे कन्हैयालाल जी, उदयपुर में उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वो एक घटना थी, बहुत दर्दनाक घटना थी, जघन्य हत्या थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा यह सिर्फ घटना नहीं है, सिर्फ हत्या नहीं है, यह आतंकवाद है, यह आतंकी हमला है। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस पूरे विषय को बहुत गंभीरता से लिया, लगभग 150 से 200 लोगों की पूछताछ हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे पहले जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, दो मुस्लिम लोग जो गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने कटार क्या बोलते उसको तलवार से काटा था, तलवार जैसा था ना क्या कटार में, तलवार से काटा था, तलवार फ्लैश करते हुए वीडियो बनाई थी, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था मोहम्मद रियाज अंसारी। अशोक गहलोत जी की सरकार ने मोहम्मद रियाज अंसारी और उसके एक साथी को अरेस्ट किया। बाद में पता चलता है कि रियाज अंसारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, उसके तमाम फोटोग्राफ्स मिले, बीजेपी के बड़े नेताओं की उपस्थिति में उसने बीजेपी ज्वाइन की थी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता है राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया जी, जो विधानसभा में संभवतः विपक्ष के नेता भी रहे हैं, ऐसे कटारिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उनका फोटो, भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहने हुआ उनका फोटो, टोपी पहने हुआ उनका फोटो, हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह चमकाते हुए उसका फोटो। कन्हैयालाल जी की हत्या के पीछे पाकिस्तान स्थित कुछ एजेंसियों का हाथ है क्या, इसकी छानबीन हो रही है। हमारे देश के गृहमंत्री ने एनआईए को इस पूरे प्रकरण में लगाया, एनआईए को यह भी छानबीन करनी चाहिए कि बीजेपी के जिस कार्यकर्ता ने, जो अंसारी है मोहम्मद हुसैन अंसारी, क्या नाम उसका, मोहम्मद रियाज अंसारी, उसको ये सब कुछ करने के लिए पाकिस्तान के अलावा राजस्थान के भी लोगों ने उकसाया था क्या, उकसाने वालों में बीजेपी से भी जुड़े लोग थे क्या, जिन बीजेपी के लोगों के साथ उनके फोटो दिख रहे हैं, इस हत्यारे के फोटो सरेआम छप रहे हैं, उन बीजेपी के नेताओं ने भी कन्हैयालाल जी की हत्या में कोई भूमिका निभाई है क्या, छानबीन इस स्तर पर भी होना चाहिए, तब पता चलेगा कि बीजेपी और आतंकवादियों का नाता क्या है और इस उदयपुर की आतंकी घटना में बीजेपी का क्या हाथ। गिरफ्तार किया, उनको गांव के लोगों को शक हुआ कि ये शायद आतंकवादी हैं, उनके पास बम वम बनाने की चीजें थी, बम थे, बहुत सारे हथियार थे, दबोच लिया गांव के लोगों ने, क्योंकि ठीक अभी कुछ दिन पहले एक गांव के सरपंच की हत्या कर दी गई थी
लश्कर तोयबा की तरफ से आईएसआई के इशारे पे। तो गांव के लोग बड़ा चौकस हो गए हैं, बड़ा सावधान हो गए हैं, बड़े सतर्क हैं, और जहां कहीं इस प्रकार की कोई घटना दिखती है या आशंका होती है उस व्यक्ति को पकड़ ले रहे हैं। तो दो लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें एक व्यक्ति का नाम है तालिब हुसैन शाह, और उसको गिरफ्तार करके वहां एनआईए को दे दिया गया। और यह भी पता चला कि ये लोग अमरनाथ यात्रियों पे हमला करने का कुछ षड्यंत्र रच रहे थे। पता चलता है कि तालिब हुसैन शाह साहब जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, बीजेपी ने स्वीकार किया है कि हां वो हमारा पदाधिकारी था, वो बीजेपी का पदाधिकारी था, बीजेपी के जो वहां इस समय जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं तालिब के। और तब हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर आतंकवादियों से बीजेपी का क्या नाता है, ये जो रिश्ता है वो रिश्ता क्या कहलाता है, जो आतंकवाद के नाम पे आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करके लोगों से वोट मांगते हैं उनके अपने पदाधिकारी आतंकवादी घटनाओं से जुड़े हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के षड्यंत्र में शामिल दिख रहे हैं, और उसको कांग्रेस पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। इस प्रकार की बातें एनआईए भी कह रही है। आगे एक दुबारा बताऊंगा एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा बीजेपी के एक कार्यकर्ता के बारे में जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल पाया गया। तो यह दूसरी घटना, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। महाराष्ट्र में बिल्कुल जिस समय राजस्थान में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई थी उसके कुछ दिनों के अंदर, दो तीन दिनों के अंदर ही अमरावती में एक केमिस्ट थे उमेश कोल्हे जी, उनकी भी गला रेतकर हत्या कर दी गई। बाद में पता चलता है कि इन्होंने भी नुपुर शर्मा के बयान को व्हाट्सएप ग्रुप में आगे बढ़ाया था, और एनआईए इस प्रकार की जांच कर रही है कि क्या व्हाट्सएप ग्रुप में जो इसने अपनी ये जानकारी आगे किया, नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया, उससे इनकी हत्या का कोई लेना देना है क्या, यह जांच हो रही है। और इस जांच के आरोप में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसका नाम है इरफान खान, वो मास्टरमाइंड है उमेश कोल्हे की हत्या का। यह इरफान खान जो है अमरावती की एक निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, और वहीं के उनके पति हैं जो निर्दलीय विधायक हैं रवि राणा, ये दोनों के मुख्य प्रचारक हैं इरफान खान। अब आप पूछेंगे इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना, तो दोनों राणा दंपत्ति इंडिपेंडेंट कम बीजेपी के ज्यादा हैं। इस समय जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि नवनीत राणा ने चुनौती की थी कि मैं उद्धव ठाकरे के जो पुराने घर है उनका घर जो पारिवारिक घर है मातोश्री उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, रवि राणा को भी गिरफ्तार किया गया। ये सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा था। तो बीजेपी और राणा दंपत्ति का एक जबरदस्त रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, ये स्थापित हो चुका है। और अब पता चलता है कि उमेश कोल्हे जो बीजेपी या आरएसएस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति था, केमिस्ट है, उसकी हत्या में जो इरफान खान पकड़ा गया है मास्टरमाइंड, वो इन राणा दंपत्ति का आदमी था। फिर हमारा सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और ऐसे हत्यारों का आखिर नाता क्या है, रिश्ता क्या है। 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में बीजेपी के पूर्व नेता और सरपंच तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में 2020 में बीजेपी के नेता और बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़के जो सरपंच बने थे जम्मू कश्मीर में घाटी एरिया में, ऐसे तारिक अहमद मीर को गिरफ्तार किया, और तारिक अहमद पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था। ये नवेद बाबू कौन, वो आतंकवादियों को मदद करने वाला डीएसपी दविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार हुआ था। याद होगा आपको पुलवामा के बाद एक डीएसपी दविंदर सिंह गिरफ्तार हुआ था, आज तक दविंदर सिंह के बारे में आगे कोई छानबीन नहीं हुई, शायद इसलिए कि वो जो नवेद बाबू था हिजबुल कमांडर उसको हथियार सप्लाई करने वाला कौन था, बीजेपी का एक सरपंच तारिक अहमद मीर, तारिक अहमद मीर। अब उस नवेद के बारे में और तारिक के बारे में एनआईए ने क्या कहा, एनआईए ने साफ तौर पर कहा अपनी रिपोर्ट में कि तारिक अहमद मीर
देवेंद्र सिंह का सहयोगी है। यदि देवेंद्र सिंह के मामले की अगर जांच होती तो तारिक अहमद मीर के बारे में ज्यादा पता चलता, लेकिन जो तारिक अहमद मीर भारतीय जनता पार्टी का सरपंच और उसका नेता, वह आतंकवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, हिजबुल कमांडर को, नावेद बाबू को हथियार सप्लाई कर रहा है, और यह एनआईए की रिपोर्ट में आ रहा है, एनआईए की रिपोर्ट में सब कुछ आ रहा है। हम कहीं से आरोप नहीं लगा रहे, कांग्रेस का आरोप नहीं है। और ऐसे तारिक अहमद मीर को देखने के बाद, उनकी हरकतें देखने के बाद हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी का आतंकवादियों से क्या नाता है, आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। इसी तरह से 2017 में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस की जो एटीएस थी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उस एटीएस ने एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया। अवैध रूप से कोई टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा था भोपाल में, उसका जब पर्दाफाश किया तो आईएसआई के 100 आईएसआई के 11 एजेंट गिरफ्तार हुए। उन 11 एजेंटों में बीजेपी के आईटी सेल का एक ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था। उसके तमाम फोटोग्राफ्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, अगर ध्रुव सक्सेना टाइप करेंगे मिल जाएगा। वो कहीं शिवराज सिंह चौहान जी के साथ फोटो है, कहीं इसके साथ फोटो है, कहीं उसके साथ फोटो है, कहीं प्रधानमंत्री जी के साथ, पता नहीं किस किस के साथ। वो बीजेपी का आईटी सेल का चीफ था और वो आईएसआई के 11 संदिग्धों में से एक पाया जाता है। तब भी सवाल उठा था कि आतंकवादियों से बीजेपी का क्या नाता है, आतंकवाद से बीजेपी का क्या नाता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह से दो साल बाद 2019 में मध्य प्रदेश में टेरर फंडिंग के आरोप में बजरंग दल के एक नेता बलराम सिंह की गिरफ्तारी, बजरंग दल के नेता थे बलराम सिंह जी, उनको मध्य प्रदेश पुलिस ने टेररिस्टों को फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और तब हमारी सरकार नहीं थी, तब सरकारी नहीं नौकरी होगी 2018-19, हाँ तब हमारी 19 में हमारी सरकार, 2018 में हमारी सरकार आ गई। तो ऐसे बलराम सिंह बजरंग दल के नेता जो टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार होते, उसी तरह 2017 में असम में भाजपा नेता निरंजन होजाई को एनआईए की विशेष अदालत ने, नाम है निरंजन होजाई, बीजेपी के नेता हैं, और एनआईए के विशेष अदालत ने आतंकवादियों को आर्थिक मदद देने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये बीजेपी के नेता निरंजन होजाई, जिनके ऊपर आरोप लगा कि आतंकवादियों को आर्थिक मदद करते हैं, उनको बाद में एनआईए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इन्हें 1,000 करोड़ के वित्तीय घोटाले और टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया था। इनकी फंडिंग से मिले पैसों से आतंकवादी हथियार खरीदते थे और जिसका इस्तेमाल देश की सेवा में लगे सुरक्षा बलों को, सुरक्षा बलों के खिलाफ होता। इतना ही नहीं, बीजेपी सत्ता के लिए अपराध सिद्ध जो आतंकवादी, उनको टिकट देने से भी बाज नहीं आती है।